हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी स्टोरी ज़िद्दी शिकारी का दूसरा पार्ट लेकर। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तेंदुआ तो निपट गया था तो मैंने भी चैन की सांस ली और हम सब वापस नंदा की तरफ चल दिए। यहाँ तक मैंने पिछले पार्ट में आपको सुनाया था, अब उससे आगे। उस समय बैतूल में एक आदमी रहा करते थे जिनका नाम मजहर अली पाटिल था। उन्हें भी घूमने फिरने और शिकार करने का काफ़ी शौक था। एक दिन उन्होंने मिस्टर सिलिवान को सूचना भिजवाई कि मोबानी नाम की जगह पर किसी टाइगर ने एक बैल को मार डाला है। मिस्टर सिलिवान इस खबर के मिलते ही अपनी आदत के अनुसार बेचैन हो गए और उन्होंने अपना एक आदमी मुझे बुलाने के लिए मेरे घर भेज दिया। लेकिन मैं उस वक्त किसी काम से बाहर गया हुआ था। नतीजा ये हुआ कि वो मजहर अली के साथ ही मोबानी चले गए। मोबानी पहुँच कर उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और वहीं किसी पेड़ पर मचान बांध कर शेर को मारने का फैसला कर लिया। बैल की लाश के बचे खुचे अवशेष वहीं पर पड़े हुए थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शेर उन्हें खाने के लिए वापस ज़रूर आएगा। रात 9 बजे का वक्त था जबकि शेर अपना पेट भरने के लिए लाश पर वापस आया और फिर कुछ ही लम्हों बाद मांस फाड़ने और हड्डियां चटकने की आवाज़ें आने लगीं। इन आवाज़ों को सुनकर मिस्टर सिलिवान समझ गए कि शेर लाश पर हाथ साफ कर रहा है। उन्होंने फौरन अपनी राइफल पर लगी हुई टार्च जलाई और शेर पर नज़र पड़ते ही उसकी तरफ फायर झोंक दिया। क्योंकि उनकी मचान पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर बंधी हुई थी और शेर पेड़ के बहुत पास था, तो गोली शेर के सर में लगने के बजाय जबड़े को चीरती हुई उसकी छाती में धंस गई। शेर ज़ोर से दहाड़ा और गरजता हुआ फौरन जंगल में गायब हो गया और सारी रात उसके गुर्राने की आवाज़ें आती रहीं। मिस्टर सिलिवान का हाल ये रहा कि उन्होंने शेर की दहशत की वजह से पूरी रात पेड़ पर ही गुजारी और फिर जब सुबह सूरज निकल आया तब ही पेड़ से नीचे उतरे। लेकिन उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि रात भर के जागे और थके होने के बाद भी वो अपने घर आराम करने वापस नहीं गए, बल्कि कुछ आदमियों को साथ लेकर घायल शेर को ढूंढते हुए एक तालाब पर पहुंच गए। तालाब के पास उसकी मुलायम मिट्टी में उन्हें शेर के ताज़ा पगमार दिखाई पड़े और जिस जगह पर शेर ने पानी पिया था वहाँ पर खून के जमे हुए धब्बे अभी भी मौजूद थे। मिस्टर सिलिवान के अंदाज़े के हिसाब से तालाब से कुछ दूरी पर मौजूद बांस के पौधों और घनी झाड़ियों के बीच शेर अभी भी मौजूद था, लेकिन वो अकेला नहीं था बल्कि टाइग्रेस भी उसके साथ थी। मिस्टर सिलिवान अपने आदमियों के साथ जब उन झाड़ियों के पास पहुँचे तो अचानक शेर और शेरनी एक साथ दहाड़े। ये दहाड़ इतनी खौफनाक थी कि मिस्टर सिलिवान के आदमी उन्हें अकेला छोड़कर जिधर मौका मिला उधर भाग निकले। सौभाग्य से शेर और शेरनी दहाड़े ज़रूर, लेकिन वो झाड़ियों के झुंड से बाहर नहीं आए, वरना वो मिस्टर सिलिवान की ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। उन्होंने अपने आप को अकेला पाया तो घबरा भी गए और भाग जाने वालों पर गुस्सा भी बहुत आया। खैर, किसी तरह हाँपते काँपते वो कैंप पहुँचे और उन आदमियों पर बरस पड़े, लेकिन बाद में उन्हें इनाम भी दिया। उसी दिन शाम को जब मैं बैतूल लौटा तो मिस्टर सिलिवान ने बुलाकर सारा किस्सा मुझे सुनाया और उस घायल शेर से मुकाबला करने के लिए मुझे साथ चलने को कहा। मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं उनके साथ जंगल में जाने के लिए इसी शर्त पर राज़ी हो सकता हूँ जबकि वो किसी इमरजेंसी कंडीशन में मेरा कहना माने और ज़िद ना करें। उन्होंने फौरन मेरी बात मान ली और कहने लगे कि मैं जो भी कहूँगा वो बग़ैर किसी ना नकुर के मानेंगे। खैर, फिर अगले दिन हमने कुछ निडर और बहादुर आदमी अपने साथ लिए और बैतूल से रवाना होकर मोबानी में पेड़ों और झाड़ियों के उस झुंड के पास पहुँच गए जहाँ पर शेर और शेरनी ने अपना ठिकाना बना रखा था। आसमान पर सूरज पूरी तरह चमक रहा था, लेकिन जंगल का यह हिस्सा इतना घना और मुश्किल था कि हमसे 10 गज़ दूर की चीज़ भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मिस्टर सिलिवान ने झाड़ियों के पास पहुंचकर अपनी आदत के अनुसार
उनमें घुसने का इरादा किया ही था कि मैंने उन्हें घूर कर देखा तो उन्हें अपना वादा याद आ गया और वो हंस कर कहने लगे, खान साहब आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया। अब आपको क्या बताऊं, सच्चाई यह है कि मैं जंगल में आने के बाद अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता। मेरा दिल चाहता है कि बेधड़क शेर के सामने कूद पड़ूं। साहब दिल किस कमबख्त का नहीं चाहता, मगर ज़्यादातर ये दिल शिकारी के किसी काम नहीं आता है। मेरी बात सुनकर मिस्टर सिलिवान ने कहकहा लगाया और कहने लगे, आप ठीक कहते हैं खान साहब। बांस और झाड़ियों का ये झुंड एक बड़े इलाके में फैला हुआ था और इसके अंदर घुसना सिर्फ इसीलिए खतरनाक नहीं था कि इसमें शेर और शेरनी का ठिकाना था, बल्कि इसमें सांप और दूसरे जहरीले कीड़े भी काफ़ी थे। वहीं आसपास शेर और शेरनी के पंजों के और भी ताज़ा निशान हमें दिखाई दिए। इसके अलावा सांपों के रेंगने से नरम मिट्टी पर बनने वाली लकीरें भी नज़र आ रही थीं। एक जगह पर सांभर, चीतल, हिरन के पैरों के निशान भी दिखे। इसी बीच हमारे साथियों में से एक कहने लगा कि हाका लगाकर शेर को झाड़ियों से बाहर निकाला जाए, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि इतनी बड़ी जगह पर हाका कराने का कोई फ़ायदा नहीं था, बस समय ही बर्बाद होता। हालांकि बकरी को पेड़ से बांध कर मचान पर शेर का इंतज़ार करने का तरीक़ा शायद सफल रहता। मैं मचान पसंद नहीं करता हूँ, मगर क्या करता, हमारा पाला एक ऐसे आदमी के साथ पड़ा था जिसे ना जाने कब ज़िद का दौरा पड़ जाता और वो झाड़ियों में घुसकर ना जाने कब खुदकशी करने निकल पड़ता। इसीलिए ठीक यही था कि मचान बंधवाई जाए। मैंने दो आदमियों को मचान बांधने को कहा और बाकी के दो आदमियों को किसी पास के गांव से बकरी खरीदने के लिए भेज दिया। खैर, फिर सूरज ढलने से पहले बकरी एक सही जगह पर बांध दी गई और मचान की ज़मीन से ऊंचाई और मजबूती को जांचने पर रखने के बाद हमने अपनी ज़रूरी तैयारियां पूरी की और मचान पर बैठ गए। इसके बाद मिस्टर सिलिवान ने साथ आए आदमियों से कहा कि अगर वो यहाँ रुकना चाहें तो अपने लिए भी किसी पेड़ पर मचान बांध लें या फिर गांव वापस चले जाएं। अब उनमें भला कौन इतना मूर्ख था कि बगैर किसी उम्मीद के सारी रात पेड़ पर गुजारता, तो सारे के सारे हमसे विदा लेकर वहाँ से चलते बने। सूरज डूबने से पहले जंगल में जो चहल पहल और कोलाहल होता है उसे वो शिकारी अच्छी तरह समझते हैं जिनके जीवन का अधिकतर समय इस दुनिया में गुजरा है। पंछियों की तेज़ चहचहाहट, बंदरों का चीखना चिल्लाना, जंगली कुत्तों का लगातार भौंकना, गीदड़ों का हाहाकार, भैंसों और जंगली सांडों का ढकारना, डियर और मोर की अलार्म काल और बीच बीच में तेंदुए का कुर्राना और टाइगर का दहाड़ना या गरजना, ये सारी आवाज़ें एक साथ मिलकर ऐसा माहौल बना देती हैं कि कानों के पर्दे फटने लगते हैं। ये ऐसा समय होता है कि जंगल का हर छोटा बड़ा जानवर, चाहे वो पंछी हो या चौपाया, रात के आने का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाता है और जंगल में एक अलग ही नज़ारा दिखाई देने लगता है। पूरे दिन अपनी कछार में सोए रहने वाले टाइगर और झाड़ियों में आराम करते तेंदुए अंगड़ाई लेकर अपने को चाक चौबंद करते हैं और फिर शिकार पर निकल पड़ते हैं। दिन भर के प्यासे जानवर भी अक्सर इसी समय प्यास बुझाने तालाबों पर पहुँचते हैं और फिर कुछ ही देर में पंछी अपने अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं। हर जानवर सतर्क और चौकन्ना हो जाता है और धीरे धीरे यह शोर शराबा कम होने लगता है। फिर जैसे जैसे रात बीतती जाती है, जंगल में खामोशी और सन्नाटा पसरता जाता है। सूर्यास्त होने के फौरन बाद पेड़ से बंधी हुई बकरी चीखने लगी। वो कुछ देर चीखती, रुक जाती और फिर चीखने लगती। उसका इस तरह चीखना अच्छा ही था क्योंकि शेर उसकी आवाज़ सुनकर उधर खिंचा चला आता। मचान पर बैठकर सिगरेट ना पीना या फिर ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे शेर होशियार हो जाए, आसान बात नहीं है। समय चींटी की रफ्तार से रेंगता हुआ लगता है। रात 10 बजे तक बकरी मिमियाती रही और फिर एकदम खामोश हो गई। ये रात गहरी काली थी और आकाश पर धीरे धीरे बादल छा रहे थे। दूर पश्चिम की तरफ कभी कभी बिजली कड़कती तो एक पल के लिए जंगल चमक उठता,
अगर बारिश हो गई तो बहुत बुरा होगा, मिस्टर सिलिवान ने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा। मैं अभी उन्हें जवाब देने ही वाला था कि अचानक बकरी जोर जोर से चीखने लगी और हम दोनों उछल पड़े। ठीक उसी वक्त बिजली कड़की और हमने बकरी की तरफ देखा। बकरी अभी भी हमसे करीब 30 फीट दूर बंधी हुई थी। कुछ पल बाद हमारे पेड़ की दाहिनी तरफ से कोई जानवर निकल कर भागा। हमने अंदाज़ा लगाया कि वो डियर था, लेकिन उसका इस तरह भागना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि हिरन आमतौर पर इस तरह नहीं भागते जब तक कि उन्हें किसी दरिंदे की गंध ना मिल जाए। डियर के भागने के फौरन बाद कुछ पंछी पेड़ों से शोर मचाते हुए उड़े और हम पूरी तरह चकन्ना होकर बैठ गए। लेकिन इसके बाद बहुत देर गुजर गई, मगर कोई और हलचल नहीं दिखाई दी। बकरी भी अब चुप होकर बैठ गई थी। जब बिजली चमकती तो वह हमें साफ दिखाई पड़ती। अब तेज़ हवाएं चलने लगी थीं, जिसकी वजह से जंगल के तमाम पेड़ों की टहनियां और पत्तियां हिलने लगीं और एक अजीब सा शोर पैदा हो गया। रात के सन्नाटे में पेड़ों की टहनियों और पत्तों के बीच से गुजरती हुई हवा की ये आवाज़ें किसी बहादुर से बहादुर आदमी का भी कलेजा हिला देने के लिए काफ़ी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे हजारों सीटियां एक साथ बज रही हों। हमारी मचान जिस पेड़ पर बंधी थी वो भी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर इसी तरह हवाएं चलती रहीं तो मचान नीचे गिर जाएगा। हालांकि ये बात परेशान करने वाली थी, लेकिन उस समय मचान से नीचे उतरना अपनी मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि हमें पता था कि इस समय शेर हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है। किसे मालूम कि हमारे नीचे उतरते ही वो हम में से किसी का टेटवा दबा ले। खैर, फिर किसी तरह हवा तो रुक गई, मगर बूंदाबांदी शुरू हो गई। लेकिन हमें उन तूफ़ानी हवाओं के मुकाबले बारिश में भीगना ज़रा आसान लगा। फिर कुछ ही पलों में बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बीच हम दोनों मचान पर भीगे हुए चूहों की तरह दुबके बैठे थे। फिर अगले 2 घंटों तक बारिश का यह सिलसिला चलता रहा और फिर धीरे धीरे बादल छट गए। बारिश होने के बाद जंगल का नज़ारा ऐसा नहीं होता कि आसानी से भुलाया जा सके। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। खैर, हमें अब शेर के वहां आने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो हमने अपने थर्मस से चाय निकाली और उसकी चुस्कियां लेने लगे। इसी दौरान मिस्टर सिलिवान ने हमें बताया कि उन्होंने अपने आदमियों को कह दिया है कि वो सुबह 5 बजे यहाँ आ जाएं। इस वक्त 3:30 बज रहे हैं और शेर का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। बकरी भी शायद सो गई है, आज की रात तो ख़राब हो गई। हाँ, अगर बारिश ना होती तो शेर इधर ज़रूर आता। हालांकि शेर आसपास ही घूम रहा था, मगर उसने ना जाने क्यों बकरी पर हमला नहीं किया। कहीं उसे हमारी मौजूदगी का पता तो नहीं चल गया। जंगल में मचान पर बैठकर सिगरेट पीना हालांकि नियमों के विरुद्ध है, मगर क्योंकि हमें शेर के आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसीलिए हम ऐसा कर रहे थे। खैर, फिर सुबह होने की आहट मिलते ही जंगल की ज़िंदगी जागने लगी। कहीं दूर से चीतल के बोलने की आवाज़ आई तो मिस्टर सिलिवान कहने लगे कि यहाँ से खाली हाथ जाना कोई अच्छा शगुन नहीं है, किसी चीतल को ही अपने साथ ले जाएंगे। तभी अचानक बकरी चीखी और हम दोनों ने घबरा कर अपना हाथ करीब ही रखी हुई अपनी राइफलों की तरफ बढ़ाया। उस वक्त चांद कुछ लम्हों के लिए बादलों की ओट में छुप गया था, लेकिन मैंने शेर की एक हल्की सी झलक देख ली थी। बकरी के मुंह से घुटी घुटी सी चीखें निकल रही थीं। मिस्टर सिलिवान ने फौरन अपनी राइफल का मुंह बकरी की तरफ किया और उसकी टार्च जला दी, और जैसे ही शेर बकरी पर झपटा उन्होंने निशाना लेकर गोली चला दी, मगर उनका निशाना चूक गया। अब इससे पहले कि वो दूसरा फायर कर पाते, शेर ने बकरी को मुंह में दबाया और एक झटके से बकरी की रस्सी तोड़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। शेर ने इतनी तेज़ी से बकरी उड़ाई थी कि हम बस एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। शेर तो जा चुका था, लेकिन मिस्टर सिलिवान देर तक उसके हाथ से निकल जाने का अफसोस करते रहे। सुबह 5 बजे उनके कुछ आदमी वहाँ आ गए और उन्होंने हमें मचान से नीचे उतारा। नीचे उतरकर हम लोग उस पेड़ के पास पहुँचे जिससे बकरी को बांधा गया था। वहाँ जाकर पता चला कि निशाना चूकने के बाद
गोली पेड़ के तने में धस गई थी। बकरी के शरीर से गिरे हुए खून के धब्बे और कीचड़ में धंसे हुए शेर के पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उन निशानों पर नज़र पड़ते ही मिस्टर सिलिवान पर फिर दौरा पड़ गया और वो उन निशानों का पीछा करते हुए तालाब की तरफ बढ़ने लगे। मैं उनके पीछे पीछे था, लेकिन वो तेज़ी से लगभग दौड़ते हुए मुझसे आगे निकल गए। जब वो मेरी नज़रों से ओझल हो गए तो ना जाने क्यों मुझे कुछ खतरे का एहसास हुआ और मैं उनकी तरफ लपका। अब तक वो तालाब के बिल्कुल पास पहुंच गए थे और उसके किनारों पर उगी हुई ऊंची ऊंची घास में घुसकर शेर के पगमार्क तलाश कर रहे थे। उस वक्त हमारे और उनके बीच की दूरी करीब 60-70 फीट रही होगी और क्योंकि बारिश हो चुकी थी तो फिसलन इतनी ज़्यादा थी कि मैं कई बार गिरते गिरते बचा। मैंने उन्हें आवाज़ दी, जिसे सुनकर मिस्टर सिलिवान रुक गए और मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे। उसी वक्त मैंने एक खूंखार टाइगर को ठीक उनके पीछे खड़े देखा, जिसकी दुम धीरे धीरे दाएं बाएं हरकत कर रही थी। शेर पर नज़र पड़ते ही सच पूछिए तो मेरी जान ही निकल गई। इस वजह से नहीं कि मैं डर गया था, बल्कि इसलिए कि मिस्टर सिलिवान शेर के इतना पास होने से बिल्कुल बेखबर थे और शेर बस उन पे छलांग लगाने ही वाला था। यह मौका इतना नाजुक था कि अगर मैं मिस्टर सिलिवान को आवाज़ देकर होशियार करने की कोशिश भी करता तब भी वो शेर के हाथों से बच नहीं सकते थे। उस वक्त मेरे हाथों में 0.770 की 2 नाली राइफल थी। मैंने फौरन राइफल सीधी की और बगैर समय गवाए निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। किस्मत ने एक बार फिर मिस्टर सिलिवान का साथ दिया। मेरी राइफल से निकली गोली सीधे जाकर टाइगर के सिर में धस गई। वो जिस पोजीशन में छलांग लगाना चाहता था उसी हालत में पत्थर की तरह ढेर हो गया। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि एक ही गोली ने उसका काम तमाम कर दिया था और मज़े की बात यह थी कि मैंने गोली चलाकर शेर को मार दिया था, मगर तब भी मिस्टर सिलिवान को ये नहीं पता चला कि वो किस तरह मौत के मुँह से बचे हैं। वो मूर्खों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ तकने लगे, फिर कहने लगे, खान साहब, फायर आपने किया था। अब मैं उन्हें क्या जवाब देता? तो मैंने उन्हें जवाब देने के बजाय शेर की तरफ इशारा कर दिया। जब उन्होंने पलटकर शेर को देखा तो हल्दी की तरह पीले पड़ गए और फिर फटी फटी आँखों से मरे हुए शेर को देखते रहे, जिसकी खोपड़ी के परचक्के उड़ चुके थे, मगर वो उसी पोजीशन में पड़ा था जैसे अभी उछल कर मिस्टर सिलिवान पर हमला कर देगा। खैर, फिर जब मिस्टर सिलिवान को होश आया तो वो मेरी तरफ लपके और मुझे खुद से चिमटा लिया। ये वही शेर था जिसे मिस्टर सिलिवान ने घायल कर दिया था। उस बकरी के बचे खुचे अवशेष अभी भी वहीं पर पड़े हुए थे। तभी मुझे याद आया कि एक शेरनी भी इस शेर के साथ थी और ज़रूर वो अपने साथी का ये हाल देखकर हमारी ताक में होगी और ये भी हो सकता था कि आने वाले दिनों में वो आदमखोर बन जाए, तो उसको यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं था। इसीलिए हमने उसको भी जल्दी ही निपटा देने का फ़ैसला कर लिया। खैर, शेर तो मर चुका था तो हम लोग शेर को जंगल में ही छोड़कर बैतूल वापस आ गए और बैतूल से कुछ आदमियों को भेजकर शेर की लाश मंगवा ली। उसी दिन शाम को मिस्टर सिलिवान ने मुझे संदेश भिजवाया कि वो किसी सरकारी काम से बैतूल से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए अब शेरनी को निपटाना मेरी जिम्मेदारी है। ये खबर पाकर मैंने ऊपर वाले का कोटि कोटि धन्यवाद अदा किया, क्योंकि अब मुझे तो मिस्टर सिलिवान से डर लगने लगा था। अगर वो शेर मेरी गोली से ना मारा जाता तो मिस्टर सिलिवान उसी दिन दूसरी दुनिया की तरफ कूच कर जाते। रात होते होते मैं पूरी तैयारी करके उसी जगह पहुंच गया जहां पर शेर को मारा था। फिर मैंने अपने साथ आए आदमियों से कहा कि वो गांव वापस ना जाएं, बल्कि वहीं आसपास मौजूद पेड़ों पर बैठकर 9 बजे तक मेरा इंतज़ार करें, क्योंकि आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और हो सकता था कि बारिश शुरू हो जाए और हमें वापस जाना पड़े। मेरे मचान से कुछ दूरी पर ही बकरी के अवशेष पड़े थे। करीब 7 बजे मुझे कहीं दूर से शेरनी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जिन लोगों ने कभी जंगल में शेर या शेरनी को रोते हुए सुना है वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन आवाज़ों का इंसान के ऊपर कैसा असर होता है। एक लंबी गूंजती हुई आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद
सुनाई देती है और लोगों को पता चल जाता है कि जंगल का राजा या रानी अपने साथी के बिछड़ जाने का गम मना रहे हैं। उनकी ये आवाज़ जैसे ही धीमी होती है, बंदर उसकी नकल उतारने लगते हैं। उनकी देखा देखी दूसरे जानवर और पक्षी भी अपनी अपनी आवाज़ें निकालते हैं और ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो शेर या शेरनी को ढारस बंधा रहे हों। शेरनी के रोने की आवाज़ें लगातार आ रही थीं और उन्हें सुनते सुनते मुझे हल्की सी नींद आने लगी। उसकी आवाज़ें हालांकि करीब आती जा रही थीं, लेकिन फिर भी मुझे मालूम था कि अभी शेरनी को यहाँ पहुँचने में समय लगेगा। जंगल में चारों तरफ गहरा अंधेरा था, आकाश में बादल तेज़ी से उमड़ रहे थे और उनमें गरज और चमक हो रही थी। ये देखकर मैं भीगने के लिए तैयार हो गया। बारिश शुरू होने से पहले मैंने अपने आदमियों को आवाज़ लगाई, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। शायद वो चुपके से यहाँ से खिसक गए थे। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर क्या कर सकता था। इसके बाद मैंने बरसाती, जो कि मैं अपने साथ लाया था, अपने शरीर पर अच्छी तरह लपेट ली और शेरनी का ख्याल छोड़कर आंखें बंद कर ली। फिर ना जाने कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो जंगल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी, मगर क्योंकि मैं घनी टहनियों के बीच में बैठा हुआ था, इसीलिए बारिश का एहसास नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरी मचान हिली और मैं हड़बड़ा कर नीचे गिरते गिरते बचा। मैंने लपक कर अपनी बंदूक उठाई और ध्यान से अपने चारों तरफ का जायज़ा लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। और अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या सही में मचान हिली या फिर मुझे कुछ धोखा हुआ। इसी बीच मचान दोबारा हिली और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस बार मैंने एक बड़े से तेंदुए को पेड़ के तने पर चढ़ते हुए देख लिया। मैं अपने आप को कायर या डरपोक नहीं समझता हूँ, मगर उस रात मैं इतना डर गया था कि बताना मुश्किल है। अगर मेरी आँख 2 मिनट पहले ना खुली होती तो तेंदुआ ज़रूर मेरी गर्दन दबा ले जाता। उस वक्त मेरी और तो कुछ समझ में ना आया, बस मैंने अपनी बंदूक का बट पेड़ की एक सूखी हुई टहनी पर मारा और टॉर्च जला दी। उसी पल तेंदुआ बिजली की तेज़ी से पेड़ से नीचे कूदा और एक तरफ गायब हो गया। मैं सतर्क हो गया और टॉर्च जलाए हुए आसपास होने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे लगा कि ठीक उसी जगह जहाँ पर बकरी के अवशेष पड़े हुए थे, कोई जानवर अपना पेट भर रहा था। मैंने फौरन अपनी टॉर्च की लाइट उस तरफ फेंकी तो आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने राइफल सीधी की और अंदाजे से उस तरफ फायर कर दिया और बंदूक के धमाके के साथ जंगल के सन्नाटे में पंछियों की आवाज़ें दूर तक फैलती चली गईं। लेकिन इसके बाद सुबह होने तक कोई और घटना नहीं हुई और जंगल में खामोशी छाई रही। खैर, सुबह मैं मचान से नीचे उतरा और कैंप चला आया, फिर सारा दिन खूब सोया। उसी दिन शाम को बैतूल का एक आदमी जिसका नाम सफदर था और जो एक बड़े से बाग का मालिक था, मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि पिछली रात एक तेंदुए ने उसके बाग में घुसकर पालतू गाय को मार डाला है। मैंने उससे कहा कि तेंदुए शहरों में नहीं आते हैं, गाय के मरने का कारण ज़रूर कुछ और होगा। मेरी बात सुनकर सफदर कहने लगा कि खान साहब, मैं मानता हूँ कि आप एक तजुर्बेकार शिकारी हैं, लेकिन मैं भी कोई नौसिखिया नहीं हूँ। तेंदुए ने ही गाय को मारा है और उसी ने बाद में उसे खाया भी। ये काम तेंदुए का ही है। उसकी बात पर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं उसी समय उसके साथ घटनास्थल पर पहुंच गया और वो जगह देखी जहां पर गाय मारी गई थी। मैंने वहां पर जो कुछ देखा उससे यही पता चल रहा था कि मरने से पहले गाय और तेंदुए के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ था। उस आदमी ने बताया कि कल रात मेरे आलस की वजह से यह घटना हुई। मैंने तेंदुए के गुर्राने और गाय के चीखने की आवाज़ें सुनी थी, मगर अपना बिस्तर छोड़कर बाग में देखने नहीं गया, क्योंकि उस वक्त तेज़ बारिश हो रही थी। और दूसरी बात यह कि मेरे पड़ोसी के यहाँ भी बहुत सी गाय पली हुई हैं। मैंने समझा कि शायद वहाँ कोई तेंदुआ आ गया होगा। वैसे भी अंधेरा बहुत था, मैं बाहर जाकर क्या कर देता। इसका मतलब ये हुआ कि आपने गाय को तेंदुए की दया पर छोड़ दिया, और क्योंकि तेंदुए के मुंह को खून लग गया है, इसीलिए अब वो बार बार इधर आएगा।
खैर अभी तो मैं वापस जा रहा हूँ। मैं मिस्टर सिरिवान को ये जानकारी पहुँचा दूँगा, फिर हम जल्दी ही वापस आकर तेंदुए का किस्सा ख़त्म कर देंगे। फिर अगले दिन मैं मिस्टर सिलिवान के पास पहुंचा, और इससे पहले कि वो मुझसे शेरनी के बारे में पूछते, मैंने उन्हें तेंदुए की कहानी सुना दी। और जैसा कि उनकी आदत थी, वो फौरन जोश में आ गए और कहने लगे कि अभी वहाँ चलो और दिखाओ कि तेंदुआ बाग में कैसे आया। मुझे उनकी बात पर हंसी तो बहुत आई, लेकिन चुप रहा और फिर उन्हें लेकर सफदर के बाग में पहुँच गया। वहाँ पहुँच कर मिस्टर सिलिवान ने बहुत गहराई से मुआयना किया और उन्हें भी यकीन आ गया कि यह घटना तेंदुए ने ही अंजाम दी है। मुआयना करने के बाद उन्होंने इधर उधर देखकर एक नीम का पेड़ चुना और उस पर मचान बांधकर तेंदुए का शिकार करने की ठान ली। इस दौरान उन्होंने मुझसे विचार विमर्श करने की ज़रूरत भी नहीं समझी और ना ही मैंने उनसे कुछ कहा। अभी मचान बंद ही रही थी कि बारिश शुरू हो गई। मैंने उनसे कहा कि वो आज ये प्रोग्राम टाल दें, कल देखा जाएगा। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा बिगड़ गया। वो कहने लगे, मैं पहले भी बहुत बार बारिश में भीग चुका हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। खैर अब उन्हें कौन समझाता, मचान तैयार होने के बाद सूरज डूबते ही अपना ज़रूरी सामान लेकर हम दोनों पेड़ पर चढ़ गए और मचान पर बैठकर तेंदुए का इंतज़ार करने लगे। बैतूल शहर में रात के 8-9 बजे तक खूब चहल पहल रहती है। लोग बाजारों में और सड़कों पर चलते फिरते रहते हैं और घरों में रोशनी वगैरह भी रहती है। मुझे हैरानी थी कि तेंदुआ किस तरह लोगों की निगाहों से बचता बचाता बाग में घुस आया, और शायद वो आज फिर आए। सफदर साहब ने मेरे कहने पर बछड़े या भैंसे की जगह एक बूढ़े गधे को बाग में खुला छोड़ दिया, ताकि अगर तेंदुआ आए तो गधे की तरफ आकर्षित हो। फिर धीरे धीरे 7 बजे, फिर 8, यहाँ तक कि 9 बज गए, लेकिन तेंदुए का कोई पता नहीं था। पानी लगातार बरस रहा था। फिर एक एक करके घरों की लाइटें बंद होती चली गईं, लोग अपने बिस्तरों में दुबक गए और पूरा शहर अंधेरों की अथाह गहराइयों में खो गया। उस वक्त बस हम दो आदमी ही ऐसे थे जिनके भाग्य में यही लिखा था कि पानी में भीगते रहें। मिस्टर सिलिवान की हालत ये थी कि वो बार बार ऊँगने लगते, कुछ देर तक वो गर्दन लटकाए ऊँगते रहते, फिर चौंक कर उठते और इधर उधर देखने लगते। उन्हें बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मगर उनकी तारीफ करना पड़ेगी, बंदे ने एक बार भी मचान से उतरने को नहीं कहा। मेरी अपनी हालत ये थी कि ना जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी छठी इंद्री कह रही थी कि आज हमारे साथ कोई जानलेवा हादसा होने वाला है। कई बार दिल में आया कि मिस्टर सिलिवान से कहूं कि मचान से उतर जाएं, मगर साहस ना हुआ। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा कि ऐसे ज़िद्दी और हट्टी अंग्रेज़ से पाला पड़ा है कि बस ऊपर वाला ही जान बचाए। उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे कि जब गधा अपनी बेसुरी आवाज़ में रेखने लगा। उसकी आवाज़ रात के सन्नाटे में तोप के गोलों की तरह हमारे सरों पर बरस रही थी। गधे की आवाज़ सुनकर मिस्टर सिलिमान, जो कि खर्राटे लेने की तैयारी कर रहे थे, हड़बड़ा कर उठ बैठे और उनका हाथ फौरन अपनी राइफल की तरफ बढ़ा। वो धीमी सी आवाज़ में बोले, तेंदुआ आ गया, और फिर इधर उधर गौर करने लगे। गधा लगातार ढेचू ढेचू कर रहा था। अचानक मिस्टर सिलिमान उठे और उन्होंने एक दूसरी डाल पकड़कर उचकते हुए तेंदुए को देखने की कोशिश की। जिस डाल पर हमारी मचान बंधी हुई थी, वो शायद कुछ कमज़ोर थी, इसीलिए दबाव पड़ते ही कड़ाक की आवाज़ के साथ टूट गई और हम दोनों मचान समेत धड़ाम से 20 फीट नीचे घास पर जा गिरे। मेरी आंखों के सामने तो जैसे तारे नाचने लगे। मेरे सर में चोट लगी थी, लेकिन मैंने इतना देख लिया था कि मचान के गिरते ही बाग के पूर्वी कोने में छुपा हुआ तेंदुआ उछला और हमारी तरफ बढ़ा। मिस्टर सिलिवान ज़मीन पर मुंह के बल गिरे थे, लेकिन राइफल अब भी उनके हाथ में थी। मेरे हलक से अचानक चीख निकली। उसी वक्त मिस्टर सिलिवान बिजली की तेज़ी से उठे और उन्होंने अपनी राइफल का बट तेंदुए के सर पर दे मारा। बट पड़ते ही तेंदुआ दर्द से कर्राहा, मगर पलट कर फिर उनकी तरफ बढ़ा और अपना दाहिना पंजा इतनी ज़ोर से मिस्टर सिलिवान के मुंह पर मारा कि वो लुढ़कते हुए कई फीट दूर जा गिरे। इस बीच मैं अपनी कमर से बंधा शिकारी चाकू निकाल चुका था
क्योंकि मेरी राइफल ना जाने कहाँ गिर गई थी। मैंने फौरन तेंदुए को ललकार कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वरना वो पल भर में डिप्टी कमिश्नर की जान ले लेता। तेंदुआ गुर्राता हुआ मेरी तरफ झपटा, और यही वो पल था कि जब मैंने अपनी पूरी ताकत समेट कर अपना शिकारी चाकू उसकी गर्दन में उतार दिया। चाकू घुसते ही गरम गरम खून का फव्वारा तेंदुए की गर्दन से फूट पड़ा और वो मेरे ऊपर आन पड़ा। इसके बाद मुझे होश ना रहा, आंख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पड़े हुए पाया। मेरे सीने और गर्दन पर तेंदुए के पंजों के गहरे घाव आए थे। फिर डॉक्टर से मैंने मिस्टर सिलिवान के बारे में पूछा तो पता चला कि वो भी दूसरे कमरे में पड़े हुए हैं। खैर, फिर कोशिश करके जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो देखा कि उनका चेहरा पूरी तरह पट्टियों में छुपा हुआ था। सिर्फ उनकी आंखें ही पट्टियों के बीच से झांक रही थीं। मुझ पे नजर पड़ते ही वो उठे और मुझसे लिपट गए। आज उनकी आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखे। उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाया और रुक रुक कर कहने लगे कि आखिरकार हमने उस तेंदुए को मार ही लिया खान साहब। दोस्तों, यहाँ पर यह स्टोरी कंप्लीट हुई। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्दी ही आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा किसी और स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद।